नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक इसको समझाया गया है, इसमें बताया गया है, और सेक्शन 3 तक मैंने आपको बता दिया था। अब आज के इस वीडियो में सेक्शन 4 को बताऊँगा, जिसमें कि तीन मुख्य रूप से इसमें तीन जो है वो फ्रेज आते हैं, मे प्रेज्यूम, सेल्फ प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में मतलब उपधारणा कर सकेगा, पहला मे प्रेज्यूम का अर्थ होगा उपधारणा करेगा, तथा निश्चायक सबूत के बारे में डिस्कस करता है। तो इसमें सबसे पहले ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का इस्तेमाल एविडेंस एक्ट के मुख्य मुख्य धाराओं में किया गया है, जिसका कि क्या अर्थ हो जाता है इस फ्रेज के इस्तेमाल करने से उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्यूम के बारे में समझते हैं कि प्रिज्यूम होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि मान लेना, कोई भी चीज़, कोई भी अगर फैक्ट है तो उसको जो है मान लिया जाएगा, उसके बारे में मानना उसके बारे में है। तो इसमें प्रिज्यूम जो है वो दो तरीके से, ऐसे तीन भागों में ऐसे डिफाइन किया गया है, प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, प्रिज्यूम ऑफ लॉ एंड मिक्स प्रिज्यूम के बारे में। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो पढ़ेंगे, तो ये जो मे प्रिज्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है, तो मे प्रिज्यूम क्या कहता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मे प्रिज्यूम जो है वो न्यायालय के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, न्यायालय से यह धारा जो है मे प्रिज्यूम कहता है, इन धाराओं में 86, 87, 88, 90, 114 और 118 में इस वर्ड को बताया गया है कि न्यायालय किसी फैक्ट को, कोई भी फैक्ट जो है उस फैक्ट को जो है वो मान सकता है, और वो जो मानेगा वो अपने विवेक के ऊपर है, न्यायालय के विवेक के ऊपर है। कोई ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मोहन के पास, मोहन का एक जो है पेन चोरी हो गया है, और वह पेन जो है वो सोहन के पास से मिला। तो जब सोहन के पास से वो पेन मिला है, तो यहाँ पर सोहन ने उस पेन को जो है मोहन से चुरा लिया है, यह न्यायालय के विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको यह मान सकता है वो कि यह जो है ना वो उसने चोरी की होगी। तो यहाँ पर उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय को ये पूरी छूट है। यहाँ पर उन सेक्शनों में, ये जो एविडेंस एक्ट है उसके कुछ सेक्शनों में मे प्रिज्यूम वर्ड को जो है बताया गया है, तो वहां पर न्यायालय अपने विवेक के आधार पर ही मानेगा कि ये फैक्ट सही है। जब वो विवेक के आधार पर ये मान लेगा कि ये फैक्ट जो है वो सही है, तो उसे डिसप्रूव करने के लिए, उसे डिसप्रूव करने के लिए जो दूसरी पार्टी है कोई अपना एविडेंस दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मे बी प्रिज्यूम करेगा। किन किन सेक्शन में इसे बताया गया है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया गया है इस वर्ड का, तो वो सेक्शन 86, 87, 88, 90, 114 और 118 में आप इसको देख सकते हैं। वहां पर सेल्फ प्रिज्यूम क्या होता है कि सेल्फ प्रिज्यूम में कि उपधारणा करेगा, न्यायालय यहाँ पर बाध्य हो जाता है कि कोई फैक्ट को वो लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेक्शन 108 में बताया गया कि 7 ईयर से यदि कोई लापता है, कोई व्यक्ति अगर लापता है, गायब है, तो न्यायालय यह मानेगा कि वह व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इस फैक्ट को वो मानेगा, यह कहता है। ये कौन सेक्शन जो है 108 जो है इस चीज को कहता है। तो न्यायालय यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम है, यहाँ पर न्यायालय डायरेक्टेड है यहाँ पर कि व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट इज द कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम ए फैक्ट। मतलब यहाँ पर कोर्ट को जो है वो निश्चित कर लेता है कि वो जो फैक्ट है उसको वो मानना है, उस फैक्ट को। अब यहाँ पर जब वो फैक्ट को मानेगा, कोर्ट यहाँ पर जब बाध्य है उस फैक्ट को मानने के लिए, तो यहाँ पर दूसरी पार्टी जो है वो कोई सबूत देगा
जिससे कि यह खंडन हो सके कि नहीं ये डेट नहीं किया है यहाँ पर, तभी जो है यहाँ पर उस चीज को, यहाँ पर सेकेंड पार्टी के ऊपर जो है, जो उसका अपोजिट पार्टी है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाता है वहां पर। लेकिन कोर्ट यहाँ पर इतना सा मान कर सकता है कि नहीं, वो व्यक्ति इतने दिनों से नहीं है तो वो उसकी मृत्यु हो गई है। अब है आपका कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में, निश्चायक सबूत के बारे में डिस्कस करता है। तो निश्चायक सबूत जो है, जब कोई भी एक ऐसा फैक्ट जो है वो न्यायालय के सामने रखा हुआ रहता है जिससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट होता है, तो वहां पर वो फैक्ट स्वतः ही जो है वो फैक्ट को प्रूफ मान लिया जाता है, उस फैक्ट को जो है मान लिया जाता है कि नहीं ये जो फैक्ट है वो प्रूफ है। इससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो है एक सेक्शन को मैंने यहाँ पर लिखा है, 41 में सेक्शन दिया है, 41 सेक्शन में भी इसके बारे में बताया गया है, 112 और 113 में भी बताया गया, लेकिन 112 एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मान सकते हैं इस वर्ड को जो इस्तेमाल किया गया है, कंक्लूसिव प्रूफ को जो इस्तेमाल किया गया, उस वर्ड के बारे में हम बताएंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोई एक बच्चे का जन्म जो है किसी माता से हुई है, और उस माता से जब जन्म हुआ है बच्चा, तो वहां पर कंडीशन ये दिखाया गया कि उस औरत का विवाह हो चुका था, और विवाह के 280 दिनों के आसपास में जो है उस बच्चे का जन्म हुआ। तो यहाँ पर यह मान लिया जाएगा कि वह जो बच्चा है वह एक धर्मज बच्चा है, उस पति पत्नी के दोनों के मिलने से ही उस बच्चे का जो है निर्माण हुआ है वहां पर, उन दो वो दोनों उसके धर्मज पिता होंगे वो यहाँ पर। तो इस कंडीशन में यदि मान लेते हैं कि 100 ये जो 280 दिन है उस बीच में डिवोर्स भी हो अगर जाता है, तो अगर उस बीच में ही अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसका धर्मज पिता जो है वो वही होगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि वो नहीं होगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से और ये सेक्शन में इस वर्ड करके ऊपर फोकस किया है कि कंक्लूसिव उससे रिलेटेड है, वो उसी का ही वो पुत्र होगा तो मानना पड़ेगा, तो वो एक निश्चायक सबूत के रूप में एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, मेरा छोटा सा प्रयास है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करेंगे इस वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।